नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक पर इलेक्शन पल्स तेलंगाना चुनाव। जनता के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, वंचित समाज के मुद्दे और किस तरह से वे देख रहे हैं राजनीतिक दलों के वादों को, इसकी पड़ताल हम ठीक चुनाव से पहले ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी समय यह समाज बहुत खामोश रहता है अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर। ना तो हम इन तक पहुंचते हैं और ना ही इनकी आवाज़ हम तक पहुंचती है, क्योंकि सारा चुनावी शोर बस और बस पॉलिटिकल पार्टीज़ के वादों, उनके घोषणा पत्रों तक केंद्रित रहता है। लेकिन सवाल बहुत अहम है कि तेलंगाना चुनाव में जिस तरह के वादे इन तमाम राजनीतिक दलों ने किए हैं, उसे एक संघर्षशील श्रमजीवी तबका कैसे देख रहा है, किस तरह से प्रचार पहुंच रहा है उन बस्तियों में, जिन बस्तियों को अक्सर ये राजनीतिक दल चुनाव के अलावा कभी याद नहीं करते, और किस तरह से इनके जो वादे हैं वे नीचे तक एक दूसरे ढंग की आशा या निराशा का संचार कर रहे हैं। आइए मेरे साथ टटोलिए इन बुनियादी सवालों से जूझते तेलंगाना के मतदाताओं को। मेरा नाम रम्या, मैं हाउसिंग बोर्ड में रहते मैं पढ़ रही हूँ अभी MBA फर्स्ट ईयर। वोट डालती हैं आप? हाँ मैम। अभी इस बार जो इलेक्शंस हैं उसमें क्या इश्यूज आपके हैं? मेरा एवरी पार्टी इज डूइंग इलेक्शंस कैंपेन only for the sake of money, I think so. Even people are supporting by taking the money. In now present I'm seeing in this society, everyone are attending meetings only for the sake of money. No one are going with the affection and love on the party. No one are voting genuinely. Everyone are taking money. आपका क्या issue? They are selling their vote. What is your, according to you, what should be the agenda of the elections? What is your issues? Mainly, every party should mainly focus on the education and health. But in our present society, every party except BSP, every party is focusing on schemes, pensions, that's it, etc. in many more. And no one are focusing on the education and health facilities like that. Health facilities. Yeah. किसका नाम ज्यादा है अभी यहाँ आपके हिसाब से? यू आर स्टडिंग इन MBA, अभी आप MBA पढ़ाई कर रही हैं, आपके मोहल्ले में किस पॉलिटिकल पार्टी का वेव आपको दिखाई दे रहा है, किसका नाम ज्यादा चल रहा है, लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंटेंशनली एवरीवन आर सपोर्टिंग BSP, बट द अदर पार्टीज आर प्रोवाइडिंग मनी. So they are also supporting TRS, Congress, like that. But in our locality, many of the people are supporting Congress at present. Congress. Yes. Congress के फेवर में क्या issue लगता है आपको? क्या अच्छा है? क्यों Congress का wave आया इस बार? Actually, after the formation of Telangana, TRS has ruled our state since for 10 years. So everyone are deciding to give one chance for the Congress at present. So let's give one chance and see how their rule will be, if they make some changes or not. Okay. So they want to come for a change. Yeah. Rahul Gandhi as a leader, एक नेता के तौर पे राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं? आप भी नौजवान हैं, उनको भी नौजवान लीडर कहा जाता है. He is one of the humble person and he'll help the poor people. कौन सा political party आपको पसंद है? मेरा नाम जयमा, मैं GHMC में काम कर रही हूँ. 5000 से शुरू किया, अभी 10 साल के पहले KCR गवर्नमेंट भी आए, फिर भी कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, हमको परमानेंट नहीं किया. हमको और दूसरा काम करना चाहे तो भी कोई ट्रेनिंग या दूसरा वोकेशन ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए हमको हमको कुछ काम क्या करना है यही करना है. हम लोग बहुत यहाँ हटक गए. हम लोग कोई हमारा हमारे पास आके कुछ पूछा नहीं,
हम कैसा जी रहे, क्या चाहिए हमारा जिंदगी में, क्या हो रहा है, हमारा स्थिति क्या है, क्या परिस्थिति में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करना है, या क्या करने के लिए कुछ सोच भी नहीं रखे वो लोग। इसलिए हम जिंदगी ऐसा ही गुजर रहे हैं, उस टाइम से भी अभी तक भी यही चल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कैसा। इसलिए हम लोग कन्फ्यूजन में भी है, हम किसको देंगे वोट, ये वाला हम अभी तक तय नहीं किया। मेरा नाम एल्लम्मा है, कैलास गिर में रहता है, जीएचएम से काम करता है। जीएचएम से में काम करते हैं, सफाई का काम, सफाई का काम करता है। अच्छा, क्या आपका इशू है इस चुनाव में? वो पहला तेलंगाना आने के बाद में केसीआर क्या बोल लिया, वो जीएचएम के फाइला फाइल में मैं फाइल संतकम करता है, वो क्या बोला परमानेंट करता है बोल दिया, सबको परमानेंट करता है, परमानेंट करता है बोला। अब दस साल हो गया, इसके लिए कुछ भी आमला को कुछ भी नहीं, किधर भी नहीं बोल रहा है। आप परमानेंट नहीं है? परमानेंट नहीं है अभी तो। पहला मुद्दा आपका कि परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट होना बोलते हैं। अभी वो बोल रहे हैं औरतों को काफी देंगे, वो शादी करने का, शादी मुबारक भी है, और दलित बंधु है, दलित बंधु कुछ भी नहीं, और डबल बेडरूम है। किसकी दिया? कार्यकर्ता दिया डबल बेडरूम, डबल बेडरूम किधर नहीं मिला, दलित बंधु कार्यकर्ता मिला, उसका पार्टी में काम करने वाला दिया, सब लोग नहीं दिया, सब लोगों को नहीं मिला। क्या आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? आपने टीआरएस का बताया, 10 साल में नहीं किया, बाकी कौन सी और पार्टी अच्छी अभी लगती? सेंटर में कांग्रेस आए ना, वो आए तो अच्छा लगता है, कांग्रेस नहीं तो बीएसपी पार्टी। अच्छा, आर एस प्रवीण कुमार, वो दलित है ना, वो आज वो बच्चे को पढ़ने के लिए ज्यादा कहे। जब आईपीएस है तो काफी बच्चों का पढ़ाई का जोर, हॉस्टल में बहुत काम करा वो। मेरा नाम है जे लावण्या है, मैंने बसीदाव का नाम है काम कर रहे। दो चीज आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या इशू है, क्या महंगाई एक इशू है इस चुनाव में? हाँ, ज्यादा रेट बढ़ रहे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और चावल, और सब रेट ज्यादा हो रहे। हमने सामान्य लोगों को चार्ज करने के लिए मुश्किल हो रहे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बार चुनाव में महिलाएं सबसे ज्यादा फोकस में है, सबके पोस्टर में, केसीआर के पोस्टर में महिलाएं हैं, कांग्रेस का पोस्टर में महिलाएं हैं, बीजेपी का पोस्टर में मोदी जी के अलावा महिलाएं तो नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं वो महिलाओं की। अभी ये बताइए कि इतना महिला का, सब लोग बोल रहे हैं कि हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, अभी तक कोई सिलेंडर नहीं दिया, सस्ते में। अभी चुनाव के समय बोलते हैं हम 400 रुपए में सिलेंडर देंगे, डबल बेडरूम का भी बात है, कुछ यहाँ पे लोगों को मिला है अभी क्या? अभी भी नहीं। दलित बंधु मिला है? कुछ भी नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। तो आपको कौन सा पार्टी अच्छा लगते हैं? ऐसे कैसे बोलना, आने तो कुछ काम करने थे। ना पेर पद्मा। मेरा नाम पद्मा, मैं कॉलेज में काम करती हूँ, मैं वोट डालती हूँ हर टाइम। अभी बहुत सारा लोग, हम आपका भाई बहन है करके आ रहे पार्टी लोग हमारे पास, मगर वो लोगों से बात हम सुन रहे हैं, हम बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे हम लोग बहुत अच्छा सा आपका परिवार जैसा हम लोग आपका रह के मदद करेंगे आगे भी, ऐसा बोल रहे थे। पर हम लोग देख रहे हैं कौन कैसा ये काम करेगा नहीं करेगा, हम लोग सोच के घर में ये बात करके फिर वोट डालेंगे। और घर में 4-5 लोग है, हम लोग ये 4-5 लोग एक एक पार्टी का भी डाल सकते हैं, या किसी को नुकसान नहीं करवाना है, ये भी एक सोच है हमको, ये भी हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, अपना नाम बताइएगा, क्या काम करती हैं, कहाँ रहती हैं और वोट डालती हैं या नहीं? संध्या। मैं संध्या हूँ। मेरा देखो, बहुत सारा पार्टी अभी आ रहे हैं, मेरे को कभी भी कोई पार्टी आके कुछ मदद नहीं किया,
हमको बहुत गरीबी स्थिति है घर में, मगर बहुत मुश्किल स्थितियों में हम गुजर रहे हैं अभी भी। रिसेंटली हमारा मेरा पिताजी भी गुजर गए, मेरा मम्मा और पापा वो लोग ही मदद कर रहे हैं अभी। मेरे को छोटे बच्चे हैं, घर का संभालना बहुत मुश्किल है। मैं पढ़ाई करना चाहती थी और मगर आर्थिक स्थितियों के वजह से और कुछ घर में कुछ आजीविका अच्छा नहीं है किसी को, इसलिए वो स्थिति के वजह से मैं पढ़ाई आगे नहीं पढ़ पाई हूँ। इसलिए ये वाला बहुत मुश्किल रह रहा है, किसको वोट डालना एक बात है। हमारा गली में सब लोग मिल के सोच के किसी को वोट डालना ही है, मगर हम लोग सोच के हमारा डिमांड्स रख के ही हम लोग ये सोच के करेंगे। మామూలుగా మాకైతే ఇప్పటివరకు కష్టం, రీసెంట్గా మ్యారేజ్ అయింది, పిల్లలు చిన్న పిల్లలు కాబట్టి మేము ఇంట్లోనే ఉంటాము, అంతా తెలియదు. ఇంతవరకు మమ్మీ చేసిన దాంతోనే ఉన్నాం అంతే. ఏక్ బాత్ సాఫ్ హో చలీ హే కి తెలంగాణా మే లడాయి కేసీఆర్ ఔర్ కాంగ్రెస్ కే బీచ్ హే ఔర్ భారతీయ జనతా పార్టీ జిత్నా అప్నా జోర్ ఆజ్మాయిష్ కరేగీ ఉత్నా హీ కేసీఆర్ కే ఖిలాఫ్ జో వోట్ హే జో గుస్సా హే వహ్ డైవర్ట్ హోగా కాంగ్రెస్ ఔర్ భారతీయ జనతా పార్టీ కే బీచ్. लेकिन इस दरमियान यह देखना बहुत दिलचस्प है कि केसीआर यानी टीआरएस जो अब है भारत राष्ट्र समिति, इसकी जो योजनाएं हैं, जो इसकी स्कीम्स हैं, वह किस तरह से नीचे तक पहुंची हैं और उन्होंने एक अपना आधार बनाया है. जिन लोगों को यह नहीं मिला है उनके भीतर नाराजगी है. और साथ ही साथ एक अहम और किरदार जिस पर चर्चा बहुत कम है वह हैं प्रवीण कुमार, बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और दलित समाज और ख़ास तौर से पढ़ने वाले दलित बच्चों के बीच, छात्रों के बीच इनका एक प्रभाव बहुत साफ साफ दिखाई देता है. और बताया जा रहा है कि वह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफ़ी बढ़त हासिल कर सकते हैं. दिलचस्प है यह चुनाव और जनता के यह मुद्दे. मेरे साथ देखते रहिए इलेक्शन पल्स तेलंगाना चुनाव.